सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट। इस टॉपिक में आज हम टॉपिक 2.1 एंड 2.2 का अध्ययन करेंगे। टू पॉइंट वन टॉपिक ऑपरेटर ए से संबंधित है, जबकि 2.2 टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट से संबंधित है। ऑपरेटर ए एक ऐसा गुणक है जिसको किसी वेक्टर से गुणा करने पर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 120 डिग्री से घूम जाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि फेजर 180 डिग्री से घूम जाता है पर उसका परिमाण समान रहता है। तो इसको हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 एंगल ऑफ 120। द ऑपरेटर ए इज वन विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर रोटेट्स द वेक्टर थ्रू 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज द सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ 120 डिग्री प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव सीक्वेंस सेट एंड नेगेटिव सीक्वेंस सेट, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू इवॉल्व सम ऑपरेटर विच शुड कॉज 120 डिग्री रोटेशन। फॉर दिस पर्पज द ऑपरेटर ए इज यूज्ड। इसको हमने परिभाषित किया है, तो ऑपरेटर ए का मान है 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में कॉस 120 प्लस जे साइन 120। मान लीजिए एक फेजर ए लीजिए जिसका मान है 3 एंगल ऑफ 30, देन ए कैपिटल ए वेक्टर ए गुणक को वेक्टर ए से गुणा करने पर इसका मान हो जाएगा 3 एंगल ऑफ 150। इसी तरह से ए स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 3 to 70 डिग्री। तो यहाँ पर रेड निशान में वेक्टर ए कैपिटल ए की पोजीशन दिखाई है, वो स्टार्टिंग पोजीशन है 3 एंगल ऑफ 30। तो जब हम इसको वेक्टर ए से गुणा करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 120 डिग्री से घूम जाएगा और इसका मान अब हो जाएगा 3 एंगल ऑफ 150। इसी तरह से जब इसको पुनः हम ए से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा ए स्क्वायर ए इजिकल्स टू 3 to 70 डिग्री। यहाँ पर ये ग्रीन एरो से इसको दर्शाया है। यदि इसको पुनः वापस गुणा करें तो हमें ओरिजिनल वेक्टर ए इजिकल्स टू 3 एंगल ऑफ 30 पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऑपरेटर ए से संबंधित यह सिद्ध करना भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू 0। तो इसको हम इस तरह से सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हमने ए लिया है, ए का मान है 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री या कॉस 120 डिग्री प्लस जे साइन 120 डिग्री। तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसका मान आएगा -0.5 प्लस जे 0.866। तो इसको समीकरण फर्स्ट से हम डिनोट करेंगे। इसी तरह से ए स्क्वायर का मान आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1 एंगल 240 डिग्री या कॉस 240 डिग्री प्लस जे साइन 240 डिग्री या -0.5 माइनस जे 0.866 या ए स्क्वायर इजिकल्स टू -0.5 माइनस जे 0.866। ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। सिमिलरली हम ए क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो इसका मान आ जाएगा कॉस 360 प्लस जे साइन 360। तो ए क्यूब इजिकल्स टू 1, इसको हम समीकरण 3 लेंगे। अब यदि समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ें तो ए प्लस ए स्क्वायर का मान हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं -0.5 और -0.5 हो जाएंगे -1। इसी तरह से
प्लस जे 0.86 और माइनस जे 0.866 को जब हम करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका मान आ जाएगा माइनस वन। तो माइनस वन को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो। अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ फेज करंट, तो डिटरमिनेशन ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट, हम सीक्वेंस कंपोनेंट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो द अनबैलेंस फेज करंट इन अ थ्री फेज सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट एज अंडर। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि एनी अनबैलेंस सिस्टम ऑफ थ्री फेज करंट मे बी रिगार्डेड एज कंपोज ऑफ थ्री सेपरेट सेट्स ऑफ बैलेंस फैक्टर। पहला तो है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, सेकंड है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तीसरा है जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एक संतुलित सिस्टम जिसमें त्रिफेजी धारा ऑब्लिक वोल्टता धनात्मक या सामान्य फेज अनुक्रम में हो के फेजर घटकों को हम धनात्मक फेज अनुक्रम कहते हैं। यदि स्रोत आपूर्ति धारा और वोल्टेज के अनुक्रम आर वाई बी हैं तो धनात्मक फेज में भी अनुक्रम आर वाई बी ही होगा। नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट एक संतुलित सिस्टम जिसमें त्रिफेजी धारा वोल्टता ऋणात्मक अथवा मूल सिग्नल के विपरीत फेज अनुक्रम में हो के फेजर घटकों को ऋणात्मक फेज अनुक्रम घटक कहा जाता है। अगर आपूर्ति आर वाई बी है तो ये आर बी वाई के अनुक्रम में होंगे। तीसरा है जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट एक संतुलित सिस्टम जिसमें त्रिफेजी धारा ऑब्लिक वोल्टता परिमाण में बराबर और शून्य फेज विस्थापन में हो के फेजर घटकों को शून्य फेज अनुक्रम कहा जाता है। तो अनबैलेंस फेज करंट जो कि थ्री फेज सिस्टम में है वो एक्सप्रेस सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में किया जा सकता है, जहां पर IR का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR0 या IY का मान IY1 प्लस IY2 प्लस IY0 और इसी तरह से IB फेज करंट का मान IB1 प्लस IB2 प्लस IB0 होगा। तो यहाँ जो चित्र दिखाया गया है इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट को दर्शाया है। इट इज़ यूजुअली प्रॉफिटेबल इन कैलकुलेशन टू एक्सप्रेस सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ अनबैलेंस फेज करंट। अब इस चित्र के पहले भाग में पॉजिटिव सीक्वेंस सेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ IR1 बाय मींस ऑफ ऑपरेटर ए। द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट IB1 इज इन फेज विद बी लीड्स द IR1 बाय 120 डिग्री। इस चित्र में दिखाया गया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IB1 जो है जो कि फेज बी में बह रही है IR1 से 120 डिग्री लीड कर रही है, इसलिए IB1 का मान होगा ए IR1। सिमिलरली इसी तरह से पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट
इन फेज वाई इज 120 डिग्री अहेड ऑफ IR1। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो वाई में फेज में है वो 240 डिग्री अहेड ऑफ IR1, यानी IR1 से 240 डिग्री आगे है, इसलिए IY1 का मान हो जाएगा A² IR1। इसी तरह से हम नेगेटिव सीक्वेंस सेट को भी IR2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑपरेटर A के माध्यम से, जो कि चित्र सेकंड से क्लियरली दिखाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि IR फेज में तीन प्रकार की धाराएं बह रही है, एक तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR0, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस आर फेज की प्लस जीरो सीक्वेंस धारा। तो IY इज़ इक्वल टू हो जाएगी A² IR1 प्लस A IR2 प्लस IR0, और सिमिलरली IB में हो जाएगी A IR1 प्लस A² IR2 प्लस IR0। तो प्रथम चित्र से IR1 IY1 और IB1 के मान हमने जब समीकरण में ऑपरेटर A के माध्यम से इनको हल करके रखा तो वो मान हो जाएंगे IR1 ही रहेगा, IY1 की जगह हमने रख दिया A² ऑफ IR1 पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने देखा। इसी तरह से IB1 वो हो जाएगा A × IR1, हम पहले चित्र से देख सकते हैं। इसी तरह से हम जब सेकंड चित्र से देखेंगे तो IY2 का मान हो जाएगा A ऑफ IR2। इसी तरह से IB2 का मान हो जाएगा A² ऑफ IR2, और जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो सब बराबर होती है, इसलिए IR0 IY0 IB0 ये सब बराबर हैं, इसलिए इन तीनों का मान जो है IR0 रखा जा सकता है। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी IR IY IB इज़ इक्वल टू 111 A² A1 A² 1 और आ जाएगी IR1 IR2 IR0। अब यदि समीकरण इस को हम हल करें तो I0 I1 और I2, जहाँ पर I0 है IR0, I1 है IR1 और I2 है IR2, इनका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मान आ जाएगा I0 इज़ इक्वल टू 1/3 IR प्लस IV IY प्लस IB, I1 इज़ इक्वल टू 1/3 IR प्लस AIY प्लस A² IB। इसी तरह से I2 का मान आ जाएगा 1/3 IR प्लस A² IY प्लस AI3।